जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सद्दाम वारिसवासी एडुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 5 भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, खाद संसाधन पौधे। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि बुक में दिया रहता है, और इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करे हैं वो भी बुक में दिया रहता है, तो हम इन दोनों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। चलिए तो देखा जाए क्वेश्चन, मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? मनुष्य को परपोषी कहा जाता है कि वह शरीर के भीतर भोजन उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, दाल अनाज सब्जियां और फल में हमें क्या प्राप्त होता है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है, अनाज में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है जो ऊर्जा प्रदान करता है, और फल और सब्जियां की बात करेंगे तो विटामिन और खनिज लवण हमसे उससे प्राप्त होगा। ठीक है, विटामिन खनिज प्रदान करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या था? हरित क्रांति का मुख्य कारण फसल के उत्पादन में कमी तथा अच्छे किस्म के बीजों की कमी को नियंत्रित कर फसल उत्पादन में वृद्धि करना तथा उन्नत खेती को प्रोत्साहन देना है। किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? वर्षा ऋतु में उगने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। संकर फसल किसे कहते हैं? किसी फसल के दो वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर एक नवीन प्रजाति विकसित करने को पादप संकरण कहा जाता है। पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित नवीन समुन्नत फसल किस्म को संकर या हाईब्रिड कहते हैं। संकर पौधे में दोनों जनक पौधों के वांछित गुणों का भली भांति सम्मिश्रण होता है, इसे ही संकर फसल कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। पादप प्रजनन का परिभाषा लिखें। फसल के समुन्नत किस्म के अनेक लाभ हैं। ये ज्यादा पैदावार पूर्व परिपक्वता, खाद का बेहतर असर, वांछित गुण, विस्तृत अनुकूलशीलता वाली होती है। हरे पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की जरूरत होती है? आंसर देख लेते हैं। हरे पादपों की वृद्धि और विकास के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है, जिनमें से कुछ सूक्ष्म मातृक तो कुछ वृहद मातृक तत्व होते हैं। सूक्ष्म पोषक क्या है? कुछ पादप पोषक ऐसे भी हैं जिनके जरूरत केवल अल्प मात्रा में होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता। खाद के अनुप्रयोग से मृदा को क्या प्राप्त होता है? खाद के अनुप्रयोग से मृदा को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, जैसे मुख्य रूप में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम इत्यादि। प्राकृतिक उर्वरकों के अनुप्रयोग से होने वाली 2 समस्याओं के नाम लिखे। पहला, खाद की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है, जिससे किसानों को उनके परिवहन और भंडारण में कठिनाई होती है। इसमें विशिष्ट पादप पोषकों की काफी कमी होती है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देख लिया जाए। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा लोग। वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? केचुआ का। क्या आंसर हो जाएगा? केचुआ का। ठीक है, किस प्रकार की खेती एक से ज्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? किस प्रकार का मिश्रित फसल उत्पादन की खेती से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 12 नंबर देखा जाए। किसी एक प्रकार के मिश्रित खेती का नाम लिखें। गेहूं और सरसों मिश्रित खेती का एक प्रकार है। ठीक है, मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा, यह जोखिम को न्यूनतम करता है। ठीक है, पीरक यानी पेस्ट क्या है? समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीरक या पेस्ट कहते हैं। एक कीट पीरक का नाम लिखें। टिड्डी एक कीट पीरक है। खरपतवार क्या है? वैसे अवांछित पौधे जो उगाए जाने वाले पौधों के साथ स्वतः उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नाशी क्या है? अच्छी उपज के लिए अवांछित पौधों के खरपतवार का विनाश करने के लिए रसायनों को खरपतवार नाशी कहा जाता है।
किसी दो आम खरपतवार के नाम लिखे, चौलाई और बथुआ। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ा जाए। 20 नंबर देखा जाए, 20 नंबर क्वेश्चन, रोगाणु पौधों में किन माध्यमों द्वारा प्रविष्ट होते हैं? रोगाणु मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन्हें माध्यमों द्वारा ये पौधे के विभिन्न भागों में प्रवेश कर उनका नुकसान करते हैं। पिरकनाशी का क्या कार्य है? फसलों की रोगों से सुरक्षा ही पिरकनाशी का कार्य है। भंडारण में अनाजों की हानि पहुंचाने वाले दो अजैविक कारकों के नाम लिखे, नमी और तापमान। दो हो गया। भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले दो जैविक कारकों के नाम लिखे, सूक्ष्म जीव और कीट। धूमन किसे कहते हैं? 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका आंसर। धूमन क्रिया में कुछ वाष्पशील रसायन जैसे एल्युमिनियम फास्फाइट की बनी गोली को निश्चित मात्रा में अनाजों में डाला जाता है, इसे कीड़कों का नाश होता है। भारतीय वैज्ञानिक के प्रयासों से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है? वृहद पोषक है। गेहूं किस प्रकार का फसल है? रबी फसल है। गाजर घास किस प्रकार का पौधा है? पार्थेनियम। ठीक है। 2,4-D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? खरपतवार नाशी या वीडियो साइट्स के लिए। 31 नंबर देखते हैं, ऐच्छिक गुण के वाहक डीएनए खंड को एक पौधा से दूसरे पौधे में प्रतिरोपित कर किस प्रकार के पौधे विकसित किए जाते हैं? नए किस्म के पौधे। किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, पिरकनाशियों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता है? कार्बनिक खेती में। ठीक है। सल्फर किस प्रकार का पोषक है? विरहत पोषक है। खेती के से खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है। क्या कहते हैं? निराई या बीडिंग कहते हैं या सोहनी कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिया जाए, अनाजों के उत्पादन बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय का 1 नंबर का आंसर। हमारे देश की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। अभी हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से ज्यादा है एवं यह अगर इसी गति से बढ़ती रही तो 2020 तक हमारी आबादी लगभग 134 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 241 मिलियन टन अन्न की आवश्यकता हर वर्ष पड़ेगी, लेकिन हमारे पास अन्न उत्पादन के लिए भूमि सीमित है, अतः हमें अनाज के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं? खरीफ फसल और रबी फसल और ग्रीष्म फसल। ठीक है। ऐसा फसल जिनमें हम वर्षा में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाते हैं, धान, ज्वारा, बाजरा, मकई, कपास, ईंट, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और फसल की कटनी अक्टूबर में के आसपास होती है। रबी फसल जो फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है उसे रबी फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, चना, तीसी, मटर, सरसों, आलू। ठीक है। आदि। इनकी बुआई अक्टूबर माह में, कटनी मार्च महीने में होती है। ग्रीष्म फसल दलहन उड़द मूंग की बुआई मार्च से जून के बीच गर्मी के महीने में की जाती है, जिससे क्षेत्र में सिंचाई की अच्छाई व्यवस्था रहती है। वहाँ धान, मकई, आलू एवं मूंगफली भी ग्रीष्म फसल की तरह लगाए जाते हैं। ठीक है। समुन्नत किस्मों के एक मुख्य गुण एवं एक मुख्य दोष को लिखे। समुन्नत किस्मों के एक मुख्य गुण उच्च उपज होती है। क्या होती है? उच्च उपज। समुन्नत किस्मों के पारंपरिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्में या समुन्नत प्रजातियां कहते हैं। समुन्नत किस्मों के एक मुख्य दोष, गुण देख लिए, दोष भी देख लिया जाए।
कृषि निवेश समुन्नत किस्मों के इस्तेमाल से फसल तैयार करने के लिए पारंपरिक किस्मों के मुकाबले अधिक कृषि निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इन किस्मों को अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक, अधिक सिंचाई इत्यादि की जरूरत पड़ती है। संकरण के किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है? संकरण के लिए फसलों के उपयोगी गुणों जैसे उच्च उत्पादन की गुणवत्ता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। विधत पोषक क्या है और इन्हें विधत पोषक क्यों कहते हैं? उत्तर, वे तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है उन्हें विधत तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक है, अतः इन्हें विधत पोषक तत्व कहते हैं। पौधे का अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? पौधे पोषण तत्वों को खाद तथा उर्वरक से प्राप्त करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरकों की तुलना में आसान क्यों है? प्राकृतिक उर्वरक में किसानों को इसके परिवहन और भंडारण में कठिनाई होती है, साथ ही इसमें विशिष्ट पादप पोषकों की काफी कमी होती है। जिन फसलों में नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस आदि की आवश्यकता होती है जैसे गेहूं, धान आदि, उनमें प्राकृतिक खाद बहुत लाभप्रद नहीं होता है, अतः रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है जो खाद पोषक तत्व प्रदान करने वाले होते हैं। अतः रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक की तुलना में आसान होता है। कार्बनिक खेती से क्या समझते हैं या क्या होता है बताइए, कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन, आंसर देख लिया जाए। खेती की वह पत्ते जिसे रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं कर कार्बनिक पदार्थ का उपयोग हो, कार्बनिक खेती कहलाती है। इस प्रकार की खेती में पेड़ पौधे के अपशिष्ट, जानवरों के मल मूत्र, कृषि अपशिष्ट आदि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसमें नील हरित शैवाल का संवर्धन किया जाता है जो वायु से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। चलिए 9 नंबर देखते हैं, फसल के लिए सिंचाई का क्या समझते हैं? फसल के लिए सिंचाई से क्या समझते हैं? चलिए देख लेते हैं क्या समझते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, सिंचाई कृषि की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्रोतों से समय समय पर खेतों में लगी फसलों के जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ताकि फसल सूखने ना पाए और अच्छी पैदावार और अच्छी और भरपूर पैदावार के लिए उचित और समाजित सिंचाई परम आवश्यक है। ठीक है, भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहते हैं इसको। ठीक है, हमारे देश में अधिकांश कृषि भूमि की सिंचाई वर्षा पर ही आधारित है। जिस वर्ष वर्षा अच्छी और समय पर हुई हो तो भरपूर फसल तथा पैदावार अच्छा होता है। ठीक इसके विपरीत जिस वर्ष अच्छी वर्षा समय पर नहीं होती है फसल का पैदावार भी प्रभावित होता है। वर्षा की कमी के कारण उनके सिंचाई के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है जिनके कुआं एवं नलकूपों, नहर, जाल, तालाब इत्यादि के जरिए सिंचाई की जाती है। खेती के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक है। नदी जल उठाव प्रणाली से क्या होता है? नदी जल उठाव प्रणाली में उन क्षेत्रों में जहां नहर के जल प्रवाह प्राप्त नहीं होता है उन क्षेत्रों के आसपास की नदियों का वहां से सीधे जल को खींचकर सिंचाई की जाती है। मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है? मिश्रित फसल उत्पादन फसल असफलता को कम करना इसके उद्देश्य है। दो फसलों के बीच बोने से पहले मिला दिए जाता है, इनमें पंक्तियां नहीं बनाई जाती है। इसमें फसल विशेष में उर्वरक लगाना कठिन है। इसमें फसल अलग काटना एवं बिनाई संभव है। अंतर फसल उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसमें मिलाए नहीं पाए जाते हैं। इसमें पंक्तियां पाई जाती हैं और इसमें इसमें उर्वरक आवश्यकता अनुसार पंक्ति में लगाया जाता है। इसमें फसलों की कटाई व बिनाई अलग अलग संभव है। फसल चक्रण के लिए दलहन पौधे का चुनाव क्यों होता है?
फसल चक्रण द्वारा दलहन फसल का चुनाव इसलिए किया जाता है कि मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति रहे, क्योंकि दलहन पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु के गांठ मौजूद होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन में स्थिर कर उन्हें मिट्टी में पुनः प्रभाव प्रतिस्थापित कर देता है, जो फसल के लिए अनिवार्य पोषक तत्व है। फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? फसल पौधे में खेती में खरपतवार, कीटों, जीवाणु, कवक आदि के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होती है। समस्त रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से पीरक या पेस्ट कहते हैं। अतः फसल पौधे को विभिन्न तरीकों से पीरकों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया को फसल सुरक्षा कहते हैं। खेतों में खरपतवारों को फसलों से मुक्त करना क्यों जरूरी है? खेतों में खरपतवारों को फसलों से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण फसल की वृद्धि पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पैदावार भी अपेक्षाकृत काफी घट जाती है। अतः अच्छी उपज के लिए अवस्था में ही खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए। पीरकनाशी क्या है? खेतों में इसका उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं भैया खेतों में उपयोग? देख लिया जाता है 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। वो विषैले रसायन जो पीरकों को समाप्त करने या इनको नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है पीरकनाशी कहलाता है। कवकनाशी, कीटनाशी, कृंतकनाशी तथा सभी सम्मिलित रूप से पीरकनाशी कहलाते हैं। पीरकनाशी से फसलों की रोगों में से सुरक्षा की जाती है, जैसे सूक्ष्म जीव, वायरस, जीवाणु, कवक आदि कीट पीरक भी फसलों के को काफी हानि पहुंचाते हैं। इन कीट पीरकों को पीरकनाशी द्वारा समाप्त किया जा सकता है, साथ ही फसलों के रोग मुक्त कर उन्हें बढ़ने में मददगार होते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। नमी और तापमान खदानों को प्रभावित कैसे करते हैं? खदानों में नमी की मात्रा अधिक से अधिक 14% होनी चाहिए। परिपक्व खदान में 16-18% तक नमी रहती है, जिस भंडारण के पहले सुखाकर 14% से कम करना जरूरी है। अगर खदान में नमी अधिक रह जाएगी तो सूक्ष्म जीव, कवकों आदि की वृद्धि और क्रियाशीलता की गति बढ़ जाती है, जो हानिकारक है। इससे अनाजों के वजन और अंकुरण क्षमता में कमी आती है, उत्पादन की कीमत एवं गुणवत्ता का ह्रास होता है। खदानों को सुरक्षित भंडारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर होना चाहिए, अन्यथा सूक्ष्म जीव एवं कीटों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता नमी और तापमान खदानों के भंडारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वितीय उत्तरीय प्रश्न देख लिया जाए। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरकों के उपयोग की तुलना कीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एक ही है अभी ये। यदि हम खेत में केवल खाद डालते हैं तो खेतों की उर्वरता शक्ति धीरे धीरे बढ़ती है, जिसे तुरंत असर नहीं दिखाई देता, लेकिन उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। यदि केवल उर्वरकों का ही प्रयोग किया जाता है तो फसल का उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि उर्वरक तुरंत ही पोषक तत्व प्रदान कर देते हैं। पादप संकरण किस प्रकार की फसल की नई किस्मों को विकसित करने में सहायक है? पादप संकरण फसलों की नवीन समुन्नत किस्मों को विकसित करने हेतु किसी फसल की दो भिन्न गुणों वाली, अर्थात एक कम वांछित गुणों वाली और दूसरी अपेक्षाकृत अधिक वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराकर एक सर्वथा नवीन प्रजाति विकसित करने को पादप संकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, समुन्नत किस्मों के गुण और दोषों की तुलना करें। फसल के समुन्नत किस्मों में गुण, पहला है उच्च उपज। समुन्नत किस्मों को पारस्परिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है, इसलिए इन किस्मों को उच्च उपज वाली किस्में या समुन्नत किस्में प्रजातियां कही जाती है। पर्व परिपक्वता, संकर किस्मों की अपेक्षाकृत कम समय में एक साथ पककर तैयार हो जाता है, इससे खेती जल्दी खाली हो जाते हैं और किसान उसमें दूसरी फसल लगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमा सकता है। खाद का बेहतर असर, रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव समुन्नत किस्मों पर अपेक्षाकृत काफी अधिक होता है, इसलिए इनके पैदावार भी बहुत अधिक मिलती हैं। वांछित गुणों की उपलब्धता, बाके संकरण के दौरान अच्छे गुणों वाली पौधों का चयन किया जाता है, अतः समुन्नत किस्मों में वांछित गुणों का सम्मिश्रण रहता है, जैसे रोगाणु प्रतिरोध क्षमता, दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता आदि बोनी प्रजातियां देख लिया जाए।
समुन्नत किस्म में प्रायः बनी होती है, जिसके कारण यह अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होता है। फलतः मौसम के प्रतिकूल स्थिति जैसे तेज हवा और झोंके, तेज बारिश आदि का सामना करने में अधिक सक्षम होती है। इसके अलावा बौने पौधे कम पोषक का उपयोग करते हैं। विस्तृत अनुकूलशीलता देखा जाए, समुन्नत के किस्मों के भिन्न भिन्न वातावरण से के अनुकूल होती है और आसानी से अपने अपने को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेती है। इस फसलों की समुन्नत किस्मों के दोष, ऊंचे पहला देखा जाए, ऊंचे किडवीय निवेश, कृषि निवेश होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर इनपुट, हाई एग्रीकल्चर इनपुट, टाइपिंग मिस्टेक है। समुन्दर किस्मों के इस्तेमाल से फसल तैयार करने के लिए पारंपरिक किस्मों के मुकाबले अधिक कृषि निवेश की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए इन किस्मों के अपेक्षाकृत अधिक उर्वरक, अधिक सिंचाई आदि चाहिए। कम चारों की प्रावित, समुन्नत किस्मों के देसी किस्मों की अपेक्षा कम चारा उपलब्ध होता है, क्योंकि ये छोटे आकार के होते हैं। खरपतवार नियंत्रण, इनमें खरपतवार नियंत्रण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। दो नंबर, तीन नंबर था, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मिश्रित फसल उत्पादन के लिए फसलों के चयन में किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। एक नंबर देखिए, मिश्रित फसलों की खेती के लिए किसानों को फसल का चुनाव क्षेत्र विशेष की मिट्टी, जलवायु तथा सिंचाई की उपलब्धता को ध्यान में रखकर करना होता है। इस खेती को करते समय उगाई जाने वाली फसलों के आसपास में पोषक तत्व, सूरज की रोशनी, नमी तथा स्थान के लिए अधिक स्पर्धा न हो, इस बात की विशेष ध्यान रखना होता है। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्रण क्या है, किस प्रकार यह मृदा की उर्वरता बनाए रखती है। फसल चक्रण विधि द्वारा विधि का उपयोग कीटों के अधिक जनसंख्या को कम करने की तरह कीटों के जीवन चक्र को खत्म करने में भी किया जाता है। फसल चक्र विधि से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप मृदा के अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इसी विधि द्वारा मृदा की उर्वरता में भी वृद्धि होती है। खरपतवार नियंत्रण तरीकों की चर्चा करें, खरपतवार नियंत्रण की आवश्यक बातें, पिरकनाशी का व छिड़काव करने से पूर्व खेतों में नमी रहना अति आवश्यक है। एक हेक्टेयर जमीन में छिड़काव करने के लिए 8000 लीटर पानी तथा व्यय करना चाहिए। यदि खरीफ मौसम में वर्षा लगातार हो रही है तो वैसे अवस्था में रोपी धान में दवा छिड़काव 20 से 30 ग्राम बालू में मिलाकर करना चाहिए। भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारण का वर्णन करें। भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न जैविक और अजैविक कारक ये हैं। जैविक कारक खाद्य पदार्थ के भंडारण अवधि में सबसे अधिक नुकसान सूक्ष्म जीवों, कीटों तथा जंतुओं से होता है। हम लोग जैविक कारण देख रहे हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव जैसे खमीर, फफूंदा, कवक और जीवाणु के अलावा पीरक कीट जैसे लाल अन्न, भृन, दाल, धान, धून, मकड़े आदि, पशु जैसे चूहे, खरगोश, बकरी आदि एवं पक्षियों को गौरैया, तोता, मैना आदि खानदानों की मुख्य रूप से क्षति होती है इनसे, ठीक है। अजैविक कारण भंडारण के मध्य खदानों को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख अजैविक निम्नलिखित हैं, अजैविक कारण निम्नलिखित है। क्या क्या है, नमी खदानों में नमी की मात्रा अधिक से अधिक 14% होनी चाहिए। परिपक्व खदान में 16 से 18% नमी रहती है, जिसे भंडारण के पहले सुखाकर 14% से कम करना जरूरी है। अगर खदान में नमी अधिक रह गई तो सूक्ष्म जीव, कोको आदि की वृद्धि की ओर क्रियाशीलता की गति बढ़ जाती है, जो हानिकारक है। इससे अनाजों में वजन तथा अंकुरण क्षमता में कमी आती है। उत्पादन की कीमत की एवं गुणवत्ता का ह्रास होता है। तापमान से भी प्रभावित होता है। खदानों का सुरक्षित भंडारण अपेक्षाकृत कम तापमान पर होना चाहिए, अन्यथा सूक्ष्म जीव एवं कीटों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फलस्वरूप खदान अपनी गुणवत्ता खो देता है और मानव के उपयोग के योग्य नहीं रह पाते हैं। मैंने पढ़ा दिया, जो भी इसमें प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक है और भी जो भी कमी है इसको पूरा कर दिया जाएगा नोट्स में। नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप 8178716111 पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।